पहले शिखर धवन चोटिल होकर इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, अब विजय शंकर भी बाहर हो गए हैं। विजय शंकर को जो टॉप गेंद लगा था जसप्रीत बुमराह का अफगानिस्तान मैच से पहले, लेकिन भारत ने उनको रिस्क लेके अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज़ का मैच खिलाया है और अब कहते हैं कि टो जो है वो इतना ख़राब हो गया है कि ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप से बाहर होंगे बल्कि आगे के लिए भी उनको वक्त लगेगा ठीक होने के लिए। और मयंक अग्रवाल को एक रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया है, लेकिन टीम की चिंता अब ये है कि इंग्लैंड से हारने के बाद अगर बांग्लादेश और श्रीलंका को हल्के में लिया तो ये ना हो कि सेमीफाइनल की टिकट भी भारत के हाथ से निकल जाए। अगर भारत इन दोनों को हराता है तो दूसरे पायदान पर आएगा और हो सकता है सामने तीसरे पायदान पर इंग्लैंड आए, यानी कि 2 और 3 का अगर सेमीफाइनल होगा तो बर्मिंघम में ही इंग्लैंड और भारत का सेमीफाइनल होगा। तो अब सवाल ये भी है कि भारत कल की हार को भी खंगाल रहा है, कल की हार हुई बड़ी हार हुई, ना सिर्फ हार हुई बल्कि कई सवाल पूछे गए कि भारत ने क्या इंटेंट दिखाया था, क्या भारत पहले 10 ओवर में 28 रन बनाना वाजिब था और जो आखिरी 10 ओवर में भारत की बैटिंग थी, स्पेशली जब केदार जाधव और धोनी की पार्टनरशिप चल रही थी, तो उससे क्या हुआ, क्या उससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्योंकि जब आप 338 चेज कर 5 ही विकेटें गंवाते हैं और 31 रन से मैच हार जाते हैं तो सवाल उठेंगे, सवाल उठाए गए। टीम मैनेजमेंट ने भी ड्रेसिंग रूम में सवाल उठाए कि क्या हमारी इंटेंट सही थी। और इसके बाद ये होगा कि भारत कल के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 2 बदलाव शायद करेगा। एक ये है कि भुवनेश्वर कुमार जो अभी तक चोटिल चल रहे थे, अब टीम उनकी फिटनेस को लेकर कॉन्फिडेंट है, शायद वो कुलदीप यादव को रिप्लेस करेंगे 11 में, क्योंकि इस विकेट पर कल इंडिया ने देख लिया कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी और एक स्पिनर चहल के साथ ही टीम खेलेगी और भुवनेश्वर कुमार होंगे तीसरे फास्ट बॉलर। दूसरा बदलाव केदार जाधव को लेकर कल ही हमने सवाल उठाए थे कि क्या केदार जाधव की यूटिलिटी सही है, क्या 7 नंबर पर अगर वो बैटिंग करने आते हैं तो वाजिब है, और हो सकता है कि केदार जाधव को भी कल 11 में दिनेश कार्तिक से रिप्लेस किया जाए, क्योंकि दिनेश कार्तिक के बारे में टीम हमेशा ये कहती थी कि हम उसको एक फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिनिशर के तौर पर देख रहे हैं। तो दिनेश कार्तिक केदार जाधव की जगह शायद कल 11 खेलेंगे और उधर कुलदीप यादव की जगह खेलेंगे 11 में भुवनेश्वर कुमार। ये 2 पॉसिबल चेंजेस हैं बांग्लादेश के खिलाफ मैच में। कहीं ना कहीं भारत ने कल जो आखिरी 5-6 ओवर की बैटिंग थी उसको सीरियसली लिया है और ये सवाल उठा है ड्रेसिंग रूम में कि हमने कोशिश क्यों नहीं की। हम 31 रन से मैच हारे या फिर 70 रन से मैच हारे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या हमने कोशिश की थी, क्या हमने ये दिखाया कि हम चैंपियन टीम हैं, हम टोटल के लिए जा रहे हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए, क्योंकि जब हार आती है ना बड़ी टीम के साथ ऐसे मौके पर जिसे कहते हैं बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, जहां एक हार सवाल खड़ा करती है, वहां पर मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम ने इसे सीरियसली लिया है और वो जानते हैं कि अगर पॉसिबल चेंजेस करने हैं तो अभी करने हैं, आगे जाकर आप चेंजेस नहीं कर सकते। मयंक अग्रवाल को टीम में रखने के पीछे सोच ये है कि हो सकता है केएल राहुल, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हाफ सेंचुरी की थी, उनके सलामी विकल्प के तौर पर मयंक अग्रवाल को रखा जाए कि अगर ज़रूरत पड़े तो क्या मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा से ओपन कराया जाए। और अगर ऋषभ पंत, हालांकि उन्होंने कल अच्छी बैटिंग की, लेकिन अगर ऋषभ पंत की यूटिलिटी ना हो तो क्या केएल राहुल को नंबर 4 पर खिलाया जाए। तो ये भारत का समीकरण बन रहा है। जैसे मैंने कहा ना, एक हार कभी कभी टीम को झंझोड़ती है और कभी कभी टीम को सवाल पूछती है, शायद उन सवालों का जवाब भारत ढूंढ रहा है, क्योंकि हार के अलावा जो सवाल भारत से पूछे गए, जो दुनिया पूछ रही है क्या आपने सही इंटेंट दिखाया, उसको लेकर टीम शायद आहत है। और विराट कोहली ने भी कल, आपको याद होगा, मैच के बाद कहा था कि हमारा हारने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, हमें ये देखना होगा कि हम अपने रन चेज को क्यों सही तरह से पेस नहीं कर पाए। तो ये यहाँ से अपडेट है, हर अपडेट आपको मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर भी, आज तक पर भी, और इसके लिए आप स्पोर्ट्स तक